बीत गया कब का है दूर जवानी, अब भी कुछ खट्टी सी कुछ मीठी सी है अलग कहानी सबकी। हम सबके दुख सबकी खुशियाँ हमारे गर्ल गैंग का रिसाइकल पेपर रेफ काफी सक्सेसफुल रहा, बट वी स्टिल हैड टू डिसाइड कि एंटी स्मोकिंग कैंपेन के डांस में सेंटर स्टेज कौन लेगा, मोना या मैं। राउंड वन हम शुरू हो गए। द टेंशन वाज किलिंग, बट यस आई फाइनली बीट हर। आई गेट इन द नेक्स्ट राउंड किरण। इंग्लिश क्लास में दोस ब्लडी ग्रेप्स टुक देयर रिवेंज। राउंड टू, पोल से सबसे ज्यादा देर तक कौन लटक सकता था। आई थॉट आई कुड हैंडल इट मैन, बट डैम मैं गिर पड़ी। Die. I wanted to smash her smiling face, but I was in for a big shock. Poor Kiran, uska ankle sprain ho gaya hai. Ab tumhe hi center stage lena padega. Main dance nahi kar rahi hu. Guess what? Main bhi nahi kar rahi hu. Donkey! Same to you. You know what? I really love my friend. Hamara anti-smoking campaign hit raha. Bholu dada ne bhi bidi chhod di. Mona aur maine realize kiya ki we are such small specks in the bigger scheme of things in life. तुमने राफेल मजर का चेहरा देखा किरण? अरे दे जस्ट सिंपली जेलस फॉर सक्सेस। यू नो व्हाट आई थिंक किरण? वो दोनों भी इंप्रेस थे, लेकिन उनका इरिटेटिंग मेल ईगो उन्हें एडमिट नहीं करने दे रहा था। अरे फॉरगेट देम, आर दे लूजर्स? और सब तो खुश थे ना, बस मोर देन इनफ। वेरी ट्रू या। एंड बोलू दादा सो स्वीट, वो मुझसे कह रहे थे कि आज से मैंने बीड़ी पीना छोड़ दिया है। एंड गेस व्हाट, मैंने ना मेरे पापा को ये कैंपेन के बारे में बताया एंड ही वाज सो इमोशनल, आई वाज सो शॉक्ड यार। उन्होंने कहा बस आज के बाद सिगरेट पीना बंद। मेरी मम्मी इतनी खुश हो गई ना। ऑब्वियसली यार, जो काम आंटी 20 साल में कर नहीं पाई तुमने एक दिन में करके दिखाया। शी विल बी इंप्रेस्ड ना। स्टार्ट योर सेलिब्रेशन। नहीं चाहिए सिंसियर प्रीमियर। अरे बोला ना नहीं चाहिए। अच्छा बहन ये ले लो, इसके साथ एक साबुन फ्री है। अरे भाई क्यों पीछे पड़े हो, हमको कुछ नहीं खरीदना, जाओ तुम आगे जाओ। ले लो ना बहन, सुबह से अपना एक भी धंधा नहीं हुआ है। अगर आप ये लोगी तो अपन को खाने के वास्ते पैसा तो मिलेगा। ले लो ना, एक तो ले लो, ले लो ना। हमारे पास पैसा नहीं है। क्या बात करता है बहन, आपके पास इतना मस्त गाड़ी है, शक्ल से तो तुम पैसा वाला लगता है, और बोलता है कि पैसा नहीं है। ए, बड़ा बड़ा बात नहीं करने का, तुम ये काम अपने माँ बाप को करने दो और तुम जाके स्कूल में पढ़ाई करो। चलो स्कूल में पढ़ाई? अरे यार आपने खाने के वादे और तुम बोलता है कि पढ़ाई करने का स्कूल में, उसका फीस कहाँ से लाएंगे। ले लो ना एक मैगजीन तो ले लो ना। अरे ले लो ना एक तो। He was so small यार, कितना होगा 13 साल 12 साल, फिर भी ऐसे ग्रोन अप जैसी बातें कर रहा था। उसके साथ और भी 4-5 बच्चे थे और किसी को अपना नाम भी लिखना नहीं आता होगा। And the sad part is, वो realize भी नहीं करते कि वो लाइफ में कितना मिस आउट कर रहे हैं। But they can't help it यार, उनके मम्मी डैडी के पास इतने पैसे कहाँ होंगे कि उन्हें स्कूल भेजे। उसने बिल्कुल वही कहा था यार। मज़र यार, हमारे वाटर किंगडम के झगड़े के बाद I didn't even think that तू मेरी मदद कर सकता था यार। Don't be silly यार, we always be friends. Come what may. Come on, focus on Alicia now. According to the constitution, ये हर बच्चे का fundamental right है कि उसे 14 साल की उम्र तक free education मिले। पर क्योंकि उनको और उनकी मम्मी डैडी को पढ़ना लिखना भी नहीं आता, उनको अपने rights के बारे में भी नहीं पता। But we should do something about it यार। I mean, उन्हें अपने rights सीखने होंगे। Our next campaign should be a literacy campaign. Each one teach one. What do you say, guys? This is crazy. I'm telling you, this is much better. लास्ट टाइम जब मैंने फ्रंट डोर से गेट क्रैश किया था ना, मुझे पता है क्या हुआ था। चलो कम ऑन गो, विश मी लक, ऑल द बेस्ट। ओके संभाल के आप। अलीशा आई एम सॉरी अलीशा, देखो मैं तुम्हारे लिए ये फॉरगिव मी कार्ड भी ले आया हूं। अलीशा हियर इट इज, एट लीस्ट व्हाट्स लेफ्ट ऑफ इट। मुझे नींद आ रही है, मैं अंदर सोने जा रही हूं। लेकिन अलीशा Rafi, what's wrong with you? तुम अलीशा के पीछे क्यों पड़े हो? She's such not interested in you, ना? और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? Health engineer की मीटिंग में आने की? No boys allowed. कितनी गर्मी है यार। इस धूप ने तो सड़ाई दिया। I feel like a roast chicken. Get away! यार कब आएंगे तुम्हारे बच्चे यार? अरे तुम लोगों को इतनी भी patience नहीं है क्या?
कल हम लोग ने उन्हें इसी टाइम पे इसी सिग्नल पे देखा था। लेकिन अगर उनकी ड्यूटी आज कहीं और हो गई होगी तो। Wow, Sam, you're so optimistic. अरे यार। Hey, they're here. इतने सारे बच्चे, मुझे तो डर लग रहा है। Hi. Hi, कैसे हो तुम लोग? मैगजीन ले लो। अरे बात सुनो। अच्छा मेरे को मैगजीन दिखा। और तुम क्या बेच रहे हो? ये क्या है? तुम लोग कोल्ड ड्रिंक पियोगे? हाँ उनके लिए लेके आते हैं। कोल्ड ड्रिंक? क्या बहन, कल तो तुम एकदम कड़का था, मैगजीन खरीदने के वास्ते आपके पास पैसे नहीं थे, और आज हमको ठंडा वंडा पिला रहे हो, क्या लफड़ा क्या है? नहीं नहीं लफड़ा कुछ नहीं है, लफड़ा कुछ नहीं है, बस अच्छा वो सब भूलो, तुम्हारा नाम क्या है? बिजू। बिजू भैया। चुप। देख बिजू, हुआ क्या ना कि कल तू मैगजीन बेच रहा था, फिर भी हम लोग ने खरीदा नहीं, तो इसलिए ना थोड़ा सा बुरा लग गया हम लोग को, और फिर हम लोग ने सोचा कि देख तू घर पे गया होगा और खाली पेट सोया होगा, खाली पेट सोया था ना तू? हाँ सर सॉरी यार, पर इसीलिए उसी को कॉम्पेंसेट करने के लिए ना हम लोग ने सोचा कि आज तेरे से मैगजीन ले ही लेते हैं। क्या करने के लिए? कॉम्पेंसेट। अरे यार कल हम लोग तुमसे मैगजीन खरीद नहीं पाए, इसलिए आज आए खरीदने के लिए। हमको पागल समझा है क्या? इतनी दूर से ये मैगजीन लेना है? ले लो, कौन सा चाहिए? अच्छा चलो ये वाला चले। नहीं नहीं चाहिए। अच्छा कितना हुआ ये? 20-30 उसका 50 रुपया। और तुम्हारे खर्चे का कितना हो गया? 4 रुपया। थैंक यू। तुम लोगों का हिसाब तो बहुत अच्छा है, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? हम कोई स्कूल में नहीं जाते। क्या स्कूल में नहीं जाते? ये कल अपन ने तेरे को बताया ना था, हमें हमारे खाने के वांदे, और स्कूल कैसे जाएगा? लेकिन तुमने इतना अच्छा हिसाब कैसे सीख लिया? सेठ ने सिखाया। कौन सा सेठ? जिसके लिए हम लोग काम करते हैं। काम करने में मजा आता है, स्कूल जाने का मन नहीं करता। स्कूल का ड्रेस अच्छा लगता है। अगर तुम्हें कोई पढ़ाए तो क्या तुम पढ़ोगे? कौन पढ़ाएगा? हम पढ़ाएंगे। तुम लोग? सच्ची यार, लेकिन रोज आना पड़ेगा। एक दिन में गुल नहीं होने का क्या? टाइम तुम बता दो, जगह हम बताते हैं। तो कैसे रोज एक घंटा पढ़ाई शुरू? एक मिनट, अब मेरे समझ में आया तुम लड़की लोगों ने हमें कोल्ड ड्रिंक क्यों पिलाया, हमसे सामान क्यों लिया। तुम पैसे वाले लोगों का प्लान है अपना पब्लिसिटी करवाने? नहीं नहीं हम वैसे नहीं है, पढ़ना लिखना तो तुम्हारा हक है, जिससे कि तुम एक अच्छी जिंदगी बना सको। ये तुम कौन होता हमारा जिंदगी बनाने वाला? ये चलो सब लोग चलो। चलो रे रजनी, तू भी? मैं तो गजरा बीछते बीछते तंग आ गई हूँ। अच्छा ठीक है, फिर तू खुद ही जाके बता देना सेठ को। सेठ को क्यों बताने का, वो कितना मतलब ही है। जब उसको अपना फिक्र नहीं तो अपन उसकी फिक्र काहे को करने का, नहीं बताएगा सेठ को। तो तेरे को क्या लगता है ये लड़कियां मतलब ही नहीं है? तो क्या तुम्हें ये लड़कियां मतलब ही नहीं लगती? नहीं यार हम सचमुच तुम्हें पढ़ाना चाहते हैं। अगर मुझे पता होता कि ये लड़की लोग हमें पढ़ाने के वास्ते, अरे चल रे। ये तो बड़ा खड़ूस है। बिजुबिया अच्छे पर किसी पे भरोसा नहीं करते। अच्छा बिजू बाजा की चेली, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम रजनी है। रजनी? मेरा नाम किरण है। Is it fair कि हम लोग स्कूल में पढ़ाई लिखाई करें और ये छोटे बच्चे सड़कों पर गजरे और मैगजीन्स बेचे? I ask you, is it fair कि 10 साल का एक छोटा बच्चा 8 से 10 घंटे कड़ी मेहनत करे और उसकी आधी से ज्यादा कमाई उसका सेठ ले जाए? और फिर हमें सिविक्स क्लास में ये सिखाया जाता है that child labor is illegal according to the constitution. फिर इन बच्चों का काम करना इलीगल क्यों नहीं, कैसे नहीं? अरे हमारे नेताओं को इन छोटी मोटी बातों के लिए समय कहाँ है, वो तो बड़े बड़े मसले में उलझे रहते हैं, जैसे कि शहर का नाम बदल दो, या फिर बसेस का कलर चेंज कर दो, या फिर कोई नया स्टैचू कंस्ट्रक्ट कर दो। हमारे नेताओं को ये रियल इश्यूज तभी याद आते हैं जब उन्हें वोट बैंक हासिल करने होते हैं, और इलेक्शन के बाद कौन से वादे, कौन से प्रोमिसेस, एवरीथिंग इज फॉरगॉटन। बट फ्रेंड्स, यू मी ऑल ऑफ अस, We are the future citizens of India. हमारा फर्ज बनता है कि सोशल चेंज लाने में पहला कदम हम उठाएं। Are you with me? Yes. कल से हम Each One Teach One लिटरेसी कैंपेन शुरू करने वाले हैं। इनके लिए हम टोपी में एक छोटा सा इवनिंग स्कूल खोलेंगे, जिसके लिए हमें वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ेगी। प्रिंसिपल मैडम ने हमें परमिशन दे दी है, जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं प्लीज पुट अप योर हैंड्स। बिजू, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बिजू, तुम लोगों का लफड़ा क्या है? अरे हम लोगों का क्या लफड़ा है? तुम लोग ये दिखाना चाहते हैं ना कि तुम लोग हम लोग को बड़ा बना सकते हैं, अपने बाल के बाल बिठा सकते हैं? अरे नहीं बिजू, मैं ऐसा कुछ नहीं दिखाना चाहती हूँ। मैं सिर्फ चाहती हूँ तू खुद एक मैगजीन की दुकान खोले
हम लोग का फायदा उठाएगी ये बताओगी कि कोई हमारा फायदा नहीं उठाए? मुझे तुमसे क्या फायदा? अरे बहुत फायदा है, पहले अपने स्कूल में पढ़ाने का नाटक करवाएगा, बाद में हमारा फोटो खिंचवाएगा और फिर वही फोटो अखबार में छपवाएगा और बाद दो दिन में खलास, हमें लात मार के भगा देगा। अरे काय का बच्चा लोग, काय की पढ़ाई, तुम लोग सब एक नंबर का बंडल बाज है, अपन बहुत शाना हो गया है, तुम जैसा लोग हमें उल्लू नहीं बना सकते। विजय तुम पागल हो गया क्या? मैं तेरी मुसीबत दूर करना चाहती हूँ ना। ये तू मेरे मुश्किल दूर करना चाहती है? अरे तेरे को पता भी है क्या मेरा मुश्किल क्या है, मेरा घर ठिकाना किधर है, मेरा दिन किधर है और मेरा रात किधर है। तुम लोग साला सब कुछ आसान समझते हैं, लीडर लोग की तरह भाषण देने से जादू हो जाएगा, और वैसे ही तेरी दोस्त भाषण दे रही थी लेकिन उसने बस एक बात मस्त बोला, हम गरीब लोग का जो हालत है ना उसके लिए सब ये लीडर लोग जिम्मेदार है, वो लोग सिर्फ वोट के लिए भाषण देता है, करता वरता कुछ नहीं। और तुम लोग भी ये लीडर लोग से कम नहीं है, तुम लोग के भाषण से कुछ नहीं होने वाला। तू तो बहुत समझदार है यार। ना ही मैं लीडर हूँ, ना ही सोशल वर्कर हूँ, और ना ही मुझे पैसे मिलते हैं यार इसके लिए। कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी को तो सही शुरुआत करनी पड़ेगी ना, है ना? चल एक मौका दे दिया। तू नहीं चाहिए मुझे तेरा मौका? अरे अब दे रहा हूँ ना। नहीं चाहिए। चाहिए। अरे नहीं चाहिए ना। अच्छा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, चाहिए। थे अलग अलग किस्म के खाने। दीदी हम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें भूख लगती है। और हमें भूख क्यों लगती है? हमें भूख क्यों लगती है? ए बेला, हमें भूख क्यों लगती है? पता नहीं, पता नहीं। ये एक है, ये दो, ये एक और, ये दो और, ये दो और, ये दो और, मिला के कितने हुए? मुझे बाथरूम जाना है। ये अच्छी बात है कि तुम बाथरूम जाना चाहते हो, लेकिन अभी नहीं, बाथरूम क्लास के बाद जाना। तो ये दो अर्थ कितने हुए? मुझे तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। नहीं नहीं आता है, ठहरो ठहरो मैं करती हूँ। ए फॉर, ए फॉर, ए फॉर, ए फॉर। हे क्या बोलती तू? राइट, मैं तेरा खून पी जाऊंगी और मैं तेरे पैसे उड़ा ले जाऊंगा। पैसे? हाँ मेरा से। देखिए मैडम क्या नजारा है, हमारे स्टूडेंट भी टीचर हो गए। देख रही हूँ, अभी ने पता चलेगा कि पढ़ाना इतना आसान काम नहीं है। क्यों आपको क्या लगता है मैडम स्टूडेंट बनना आसान है? अरे बाबा अब मुझे अगर इस तरह क्लास में बैठ के पढ़ना पड़े ना, पता नहीं मैं क्या करूँगी। अच्छा मैडम एक बात बताइए, जब आप स्कूल में पढ़ती थी तो कैसी स्टूडेंट थी? कैसी मतलब? मतलब कैसी थी, सीधी साधी थी, तेज थी, कैसी स्टूडेंट थी? सच बताओ? हाँ तो किसी को बताओगे नहीं ना? नहीं नहीं बिल्कुल। ये अपनी किरण है ना, मैं बिल्कुल वैसी थी। ये किरण? बेलगाम एकदम। क्या कह रहे हैं आप, यू एंड किरण? ओके ऑल ऑफ यू रेडी? हाँ। कौन प्रशिदा शो हिम। ओके देखो अभी सब लोग बच्चों ऐसे करने का। ओके ओके 1 2 3 एंड ओके। तो पहले कौन जा रहा है? मैं। Come on, ready, take it. अरे, अरे। Oh God. My God, she is so fast. इसे तो कोई पकड़ ही नहीं सकता। ये तो बहुत तेज दौड़ती है यार। ये तो अपन का वीडियो है, राजधानी एक्सप्रेस। अब उनकी गली में इसको कोई पकड़ ही नहीं पाता। Amazing. कि राघव सीरियसली वो बहुत तेज दौड़ती है। Yeah, seriously राघव, she's got a lot of potential. Potential? Potential का PV पता है तुम लोगों? Raghav, ignore them. Let's go have a cold drink or something. चल, sounds great. Hey Raghav, please यार, listen यार. Hey guys, अगर किसी में talent है तो please उसकी कदर किया। प्रशिता, ये talent कोई 6 feet लंबा, handsome, hulk तो नहीं? जिसे तुम प्रमोट करने की कोशिश कर रही हो? What? Cyrus? इसका मतलब ये है कि प्रशिता डार्लिंग अपनी ब्यूटी की फिकर छोड़ के
किसी और के टैलेंट की फिक्र में पड़ी हुई है। राम बाप प्रसीता माता की जय हो जय हो। ए आई एम पारसी एंड ही इज मुस्लिम। ओह गाइस प्लीज कभी तो सीना थोड़ा करो प्लीज। बाल खराब हो रही है। राघव ओके ओके फाइन ओके फाइन। हम रजनी को चेकआउट करेंगे स्कूल के बाद ग्राउंड पे मिलते हैं। हैप्पी यस थैंक यू राघव गाइस। हम भी जरा कॉल करेंगे चलो। हम भी राघव भाई जब कहेंगे 1 2 3 गो तो वो दिखता है गोल पोस्ट वहां तक तेज से दौड़ना। ओके रेडी ठीक है गुड गर्ल कम ऑन 1 2 3 गो। पीछे दादी इधर आ। क्या हुआ जब मैं दौड़ती हूँ तुम लोग घड़ी के पास क्यों देखते हो? क्यों तुम्हें फर्क पड़ता है? मुझे अजीब सा लगता है मैं दौड़ नहीं पाती। क्यों नर्वस हो गई? मालूम नहीं पर मैं दौड़ नहीं पाती। देखो रजनी ये घड़ी बताती है कि तुम कितना तेज दौड़ सकती हो और अगर तुम यूं ही बार बार इससे भी और तेज दौड़ोगे ना तो तुम एक दिन हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी चैंपियन बन सकती हो कंपटीशन में भाग ले सकती हो और एक दिन तुम्हारे अखबार में फोटो छप सकते हैं तुम्हारा नाम छप सकता है तुम्हारे मम्मी पापा को बहुत सारा पैसा मिल सकता है पर ये सब सिर्फ तभी होगा जब तुम बहुत तेज दौड़ोगी। निशिता दीदी मेरे को लाल फ्रॉक बहुत अच्छा लगता है अगर तुम्हारी ये घड़ी बताती है कि मैं तेज भागती हूँ तो मेरे को लाल फ्रॉक मिल सकता है पुराना भी चलेगा। हाँ रजनी तुम्हें एक नहीं कई लाल फ्रॉक मिल सकते हैं। अच्छा अब देखो मैं कैसे दौड़ती हूँ। इसका टाइमिंग दिनोबली के जूनियर टीम से भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। She's good. She's just brilliant. रजनी, यहाँ आओ। Very good, रजनी, तुम तो बहुत अच्छा दौड़ती हो पहले कभी किसी रेस में हिस्सा लिया है तो लेना चाहिए ना तुम्हें। मैं सोची भी नहीं। सोचना चाहिए तुम्हें रजनी तुम इतना अच्छा दौड़ती हो तुम आगे चलकर देश की बड़ी चैंपियन बन सकती हो जैसे कि प्रशीदा दीदी ने तुमसे अभी कहा पर इसके लिए तुम्हें एकेडमी जाके ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। एकेडमी? यानी स्कूल जहाँ पे तुम्हें और तेज भागना सिखा पाएंगे। पर मेरे पास पैसे नहीं है भरने के लिए। वहाँ पे तुम जैसे अच्छे दौड़ने वालों के लिए मुफ्त में एंट्री है कोई पैसे की जरूरत नहीं है। पर मेरे माँ बाबा भेजेंगे नहीं। पर क्यों? क्योंकि अगर मैं चली गई तो काम कौन करेगा पैसे कौन लाएगा। पर तुम्हारे मम्मी डैडी काम नहीं करते? करते लेकिन घर में बहुत भाई बहन है। Seems difficult. Hey guys, but we'll have to do something about this, yeah? What do you say? Auntie, please, auntie, हमारी बात मान लीजिए, please, auntie. सुन रहे हैं, तुम्हारी बात है. रंजी किधर भी नहीं जाएगी. बोला ना एक टाइम आप लोग को. वो जाएगी तो पैसा कौन लाएगा? हम खाएंगे क्या? पहली बात तो रंजी उधर गई क्यों? किसको पूछ के गए हो? लेकिन अंकल, प्लीज अंकल, हमारी बात मान लीजिए, प्लीज आंटी प्लीज. ठीक है मैं रंजी को भेजता हूँ पर 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 उसकी जगह आप लोग को काम करना पड़ेगा। अंकल ऐसे कैसे हो सकता है? आई मीन हाँ देखा निकल गया ना सारा हवा तुम लोग कुछ दे नहीं सकता था लेने को क्यों आता है इधर? अंकल आप समझ नहीं रहे अंकल रजनी एक बहुत अच्छी रनर है बहुत अच्छी दौड़ती है वो। अंकल वो कैसे पता है वो लाइक पीटी उषा। हाँ अंकल पीटी उषा जैसी। अंकल अगर उसका सिलेक्शन ट्रेनिंग अकेडमी में हो जाएगा तो आपके दिन बदल जाएंगे उसके दिन बदल जाएंगे। अंकल वो बहुत दूर जा सकती है बहुत बड़ी हो सकती है। इतना तकलीफ काफी नहीं क्या? कुछ नहीं होने वाला है हम लोग ऐसे ही ठीक है। 2 साल के बाद उसका शादी होने वाला है जब तक पैसा लाएगी हम लोग आराम से रहेगा। ठीक है आप लोग जाइए। पर अंकल अंकल प्लीज अंकल जाइए आप लोग जाओ आप लोग जाओ। बोला ना एक टाइम सुनता नहीं आप लोग। रजनी ये लड़की लोग के साथ में मैं तेरे को देखा ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा समझी ना। कहाँ है तुम्हारी चैंपियन? कहा था ना मैंने तुम्हें इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट नहीं भेजेंगे उसके मम्मी पापा उसे। वी शुड हैव स्टार्टेड बाय नाउ यार। हे राघव प्लीज यार और 5 मिनट रुकना यार। अगर बाबा को पता चल गया तो मुझे मार डालेंगे। देख रजनी जो हम जैसा लोग होता है ना उनको आगे निकलने का मौका ऐसा बार बार नहीं आता है और जब ऐसा मौका आता है तो उसे छोड़ने का नहीं एकदम से झपट लेने का।
अब तू कुछ सोच मत, तू भाग, इतना तेज भाग कि तुझे कोई पकड़ ना पाए, ना तेरा माँ ना तेरा बाबा, कोई भी नहीं, भाग रजनी भाग। रामू हाँ? तो रजनी को देखा नहीं, वो गई होगी वही शाम वाली क्लास में। ए भगवान, ये लड़की पागल हो गई है, खुद भी बाबा कैसे मरेगी, मुझे भी मरवाएगी। अच्छा छोटी को ख्याल रख। हाँ। मैं रजनी को लेके आती। दीदी देख चीज का, तूने रजनी को देखा? वन टू थ्री भी यही लगता है। क्या? तेरी भर्ती होने वाली है। हस्ती है मस्ती के हंसी तराने, हिप हिप हो